से बोली, मैया मेरे पति कहाँ है? अनुसुईया बोले, हमें क्या पता कहाँ है, मैया मैंने गलती कर दी है, मुझसे भूल हो गई, मैंने आपका परीक्षण करने के लिए भेजा था, अब वो जैसे थे वैसे ही कर दो। अनुसुईया माँ बोली, वे पालना में लेटे, उठाओ ले जाओ। अब समझ में ना आया तो कौन से किन के पति। मेरे सज्जनों, देवियां गई पालना के पास खड़ी, पति तो है पर अब ये समझ में नहीं आ रहा है, कहीं अदला बदली ना हो जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, अब अनुसुईया माँ से देवी ने प्रार्थना करी, माँ जैसे हते वैसे ही कर दो। तो उसी समय माता अनुसुईया ने पुनः जल छिड़का, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो गए। ये है पतिव्रता भक्ति की शक्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आज महाराज जब ठीक नहीं हुए, कलुआ मैतर की घरवाली बोली, हम ठीक करेंगे पर शर्त है, पानी भरना पड़ेगा। भरोगे? बोले ना ना ना, मैतर के घर पानी, हम राजा बिल्कुल नहीं। तो कहने लगे, कोई बड़ी बात ना, ना सारी जिंदगी गधा रहोगे, भर दो। कहने लगे, भरोगे? बोले झूठी हाँ करती, ठीक है भर देंगे। जैसी जल छिड़का तो उसी समय मेरे सज्जन महाराज त्रिशंख गदा से मनुष्य बन गए, पतिव्रता में ये शक्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज जैसे ठीक हुए महाराज चल दिए, तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, कलुआ मैतर की घरवाली ने कहा, चलो महाराज हमारे यहाँ चल के पानी भरो। हाँ, ये 101 रुपए का सम्मान धीरज भैया की माताजी नगला सड़क, ये सम्मान कर रही हैं। भगवान सदा सदा आशीर्वाद दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज महाराज त्रिशंक जो थे मना किया, कलुआ मैत्र की घरवाली ने श्राप दिया, तुम जा रहे हो, तुमने पानी नहीं भरा, लेकिन तुम्हारी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। इन्हीं महाराज त्रिशंक के पुत्र हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। अच्छा, ये पहले से सतवादी नहीं, इनके कोई संतान नहीं थी, ये बड़े झूठा थे। एक बार महाराज त्रिशंक जो थे, यानी हरिश्चंद्र जो थे, इन्होंने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री से कहा, भैया ये बताओ राज्य के हाल क्या है? बोले, सब तो ठीक है, लोग आपको निर्वंशिया के नाम से बुला रहे हैं। क्या मंत्री